नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी को औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने रात को गिरफ्तार किया। शमशान विवाद नहीं ले रहा थमने का नाम। देर रात पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया। नगर निगम अभियंत्री ने प्रदीप चौधरी के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर नुकसानी की रिपोर्ट लिखाई थी। औद्योगिक थाना पुलिस ने प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया। थाने पर समर्थकों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया, देर रात तक नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदीप चौधरी के समर्थन में थाने का घेराव किया। दरअसल बावड़िया क्षेत्र के शमशान विवाद में देर रात औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर थाने पर ले गए, जिसके बाद समर्थकों की भीड़ ने थाने का घेराव करना शुरू किया, जहां देर रात को भारी भीड़ ने थाने के बाहर जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और थाने के बाहर घंटों हंगामा किया। वहीं जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर वापस जाने के लिए कहा, जिसके बाद कई लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। औद्योगिक थाने पर भारी पुलिस बल बुलवाना पड़ा। यह हंगामा करीबन रात 2 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद कई लोग वापस जाने को माने। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व बावड़िया में स्थित शमशान पर बैठकर प्रदीप चौधरी ने धरना दिया और गुस्साए समर्थकों ने शमशान के पास लगी रेलिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद नगर निगम अभियंत्री ने औद्योगिक थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गुरुवार की रात को प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप चौधरी के समर्थकों ने नारेबाजी कर पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है, गुरुवार शमशान तोड़ने के बाद भी वहां एक शव को जलाया गया, जिसके बाद औद्योगिक पुलिस ने प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया। चौधरी कई सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ता भी रहे, जिनके खिलाफ राजनीति होने की शिकायत भी सामने आ रही है, जो शमशान विवाद में राजनीति में घेरे जा चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है, सत्ता के पक्ष में रहकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो कि गलत है। रमजान खान की रिपोर्ट। जब इतने 3 घंटे से आपके इनके समर्थक खड़े हुए, अभी क्या खड़े रहेंगे? और ये समर्थक कह रहे हैं कि हम प्रदीप भैया की रिहाई के बाद जाएंगे। क्या उनको साथ लेके जाएंगे? प्रशासन का क्या कहना पड़ रहा है? मैं मनीष चौधरी, हेड सचिव युवा कांग्रेस। बाहर भीड़ लगी है और किसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? देखिए, प्रदीप चौधरी को पुलिस ने एक मामले में आज अरेस्ट किया था, जिसको लेके कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन करने आए। अभी क्या स्थिति है सर? क्योंकि शांति प्रदर्शन जारी है। शांति है, अभी वो लोग बाहर हैं और शांति एक वैसे विशेष है। क्यों छोड़ने की मांग कर रहे हैं सर? तो छोड़ेंगे हम? नहीं नहीं, छोड़ने की मांग तो उनकी पहले कभी नहीं हुई। जब उनकी मांगे थी कि प्रदीप चौधरी स्वयं आकर जाने को बोले, तो उस चीज़ की मना कर देंगे। जो अनुरोध किस प्रकरण में गिरफ्तारी है उनकी? किस प्रकरण में गिरफ्तारी? अभी कुछ दिन पहले जो एक शमशान घाट के फेंसिंग को उखाड़ने का जो मामला था, उसमें थैंक यू। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।